नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है उसमें कभी कभी पानी की कमी से टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग वॉशिंग साइकिल, तो आईई इरर करके एक आता है और आपका वॉशिंग साइकिल जो है वो रुक जाता है। तो उस आईई इरर को किस तरह से अपन हटा सकते हैं, किस तरह से अपना फंक्शन दोबारा चालू करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मेरे वाले में भी पानी की शॉर्टेज की वजह से ये आईई इरर आ रहा है, तो सबसे पहले अपना टंकी का पानी फुल कर लीजिएगा, टंकी का पानी और नल अपना चेक कर लीजिए कि उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं स्विच बंद तो नहीं है नल का, ठीक है। उसके बाद जस्ट प्रेस कर दीजिएगा इस पाउस बटन को एक बार, फिर दोबारा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये प्रोसेस चालू हो जाए। बस इतना ही करना है, एक टाइम प्रेस करना है पाउस बटन को ताकि प्रोसेस वो अपना डिटेक्ट करने लग जाए पानी वगैरह को। उसके बाद में दोबारा प्रेस करना है ताकि वो ऑन हो जाए फंक्शन। देखिए ये चालू हो गया है और ये टाइमिंग भी दिखा रहा है कि इतने मिनट में प्रोसेस अपना पूरा हो जाएगा। तो ये छोटा सा बात था आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।